29 सितंबर साल 2016 या वो तारीख है जिस दिन भारत ने पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर धाराशाही कर यह ऐलान किया था कि भारत कभी भी आपको आपकी औकात याद दिला सकता है। यह वो दिन था जब भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तान में घुसकर उसके नापाक इरादों को नाकाम कर एक इतिहास रचा। उस दिन भारतीय फौज ने अपने इरादों से साफ ऐलान कर दिया था कि भारत माँ पर गलत नजर रखने वाले हर दहशतगर्द को वो कभी भी खाक में मिला सकते हैं। उस रात चैन से सोए पाकिस्तान ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो रात उसके लिए सबसे भयानक रात होगी, क्योंकि भारत के जांबाज सैनिकों ने एक एक कर उनके 60 ठिकानों को न केवल नेस्तनाबूद कर दिया बल्कि सैकड़ों दहशतगर्द और आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिखाया था। पाकिस्तानी खेमे में मचे हाहाकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार के होश उड़ा दिए थे, जिसके बाद आतंकी खेमे में हर तरफ एक ही चीज छाई हुई थी और वो था खौफ। खौफ भारत का और खौफ भारत के वीर सपूतों का। लक्ष्य मुश्किल था पर सेना के हौसले उससे भी कई गुना बुलंद थे। इसके लिए 25 पैरा कमांडो को खतरनाक ट्रेनिंग दी गई। उन्हें हर खतरे से लड़ने और जीतने के लिए ट्रेनिंग दी गई ताकि वो बिना किसी नुकसान के दुश्मनों को सबक सिखा सके। लगभग रात 12:30 बजे 25 पैरा कमांडो लाइन ऑफ कंट्रोल पर उतरे और 3 किलोमीटर तक रेंगते हुए दुश्मन के ठिकानों में घुस गए। जब तक दुश्मन को समझ पाते तब तक सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और देखते ही देखते 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिखाया। भारत माता की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने अपने जान की बाजी लगा दी और सारे भारतवासियों को गौरवान्वित किया। भारत के इन वीर सपूतों के पराक्रम को नवभारत टुडे सलाम करता है।